बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी की जानिब से तामीरी सियासत की जा रही, तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां बदउनवान हुकूमतों के तावुन से तबाहकुन सियासत कर रही। बीजेपी के कौमी आमला इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रही, वहीं अपोजिशन जमातें अपने अपने खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए बदउनवानियों और बेकायदगियों में डूब चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफत के नाम पर मुल्क की मुखालिफत की जा रही। राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी पर आयद करप्शन के इल्जामात इसी सिलसिले की कड़ी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास के नजरिए पर अमल करती है। कबायली आबादी की तरक्की और उनके विकार में इजाफा करने के नेक मकसद के तहत सदारती उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का इंतखाब किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मोदी की हुकूमत में बेशुमार फलाही स्कीमात को शुरू किया गया। जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना जैसी स्कीमों के बेहतरीन नतायज बरामद हो रहे। उन फलाही स्कीमों की वजह से ही उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में मुनाकिद असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी तेलंगाना की हर तरह से मदद कर रही। मुल्क में किसी भी रियासत के साथ भेदभाव इख्तियार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेपी नड्डा ने बीजेपी के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही है।